Hello everyone, welcome to Perfection IS. So today in this video we'll discuss one GS2 polity question as a part of our daily mains answer writing series. So coming to the question. Now the question is about anti-defection. As we all know, anti-defection is mostly news. हर टाइम न्यूज़ में होता है, तो वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली हर दो साल या फिर ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे ये रिपीट होता भी है. नाउ द क्वेश्चन इज एंटी इंडियन पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन एंड पावरफुल पॉलिटिशियंस स्टैंड फॉर नथिंग बियॉन्ड सेल्फ इंटरेस्ट. नाउ वी हैव टू एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ द रीसेंट डिफेक्शन इन स्टेट्स एंड ऑल्सो सजेस्टिव करेक्टिव मेजर्स. और ये हमको 150 वर्ड्स पे लिखना है, दैट इज 10 मार्कर. ओके ठीक है. सो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडियन पॉलिटिक्स कैसे अभी डिफेक्शन पॉलिटिक्स हो गई है एंड पावरफुल पॉलिटिशियंस वो बियॉन्ड अपने सेल्फ इंटरेस्ट कुछ देखते नहीं है. तो इस स्टेटमेंट को हमको डिफेक्शन के फॉर्मेट में लिखना है और कहीं ना कहीं हमें डिफेक्शन जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है उसी का चैलेंजेस लिखना है. क्या एग्जैक्ट चैलेंजेस है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, और सजेस्टिव मेजर्स भी देना है कि कैसे सुधार आ सकता है इन आवर एंटी डिफेक्शन. ठीक है ओके. नाउ कमिंग टू इंट्रो. सो हियर द इंट्रो विच आई हैव रिटन. सी द इंट्रो ऑल्सो शुड लुक लाइक इट शुड लुक एनहैंसिंग और जैसे थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए बिकॉज द राइटिंग शुड बी द फ्लो ऑफ राइटिंग. ओके आप जैसे लिख रहे हो, आप अगर यहीं पे अगर आप 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था, 10th शेड्यूल पे आया था, इफ़ यू राइट दैट सो इट विल लुक वेरी नॉर्मल और कॉमन. हर कोई वैसा लिखता है. सो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग लिखने की. ठीक है. सो हियर लाइक मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे. द एविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस हैज़ बीन अ मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न. ये एक नेशनल कंसर्न मैटर है, हम सबको पता है. नाउ द MLAs और MPs indulged इन मल्टीपल फ्लोर क्रॉसिंग्स. यूज़ करते हैं हम डिफेक्शन के टाइम पे ये सब वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आंसर थोड़ा इंद्रिच लगता है. सो द MPs और MLAs indulged इन मल्टीपल फ्लोर क्रॉसिंग्स earned them with the epithet आयाराम गयाराम. तो ये जो टैगलाइन है आयाराम गयाराम, इसके वजह से ही डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ आया है. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से ये आयाराम गयाराम अभी भी है. तो वो प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़ा और कुछ लिखेंगे. डिफेक्शंस आर नॉट न्यू टू इंडियन डेमोक्रेसी. पहले से भी अभी कुछ नया नहीं है. इनफैक्ट इट टेक्स प्लेस इन अदर डेमोक्रेसीज टू. बाहर के डेमोक्रेसीज में भी डिफेक्शन होता है. बट जो न्यू है, जो आज के डेट में जो न्यू है, बट वॉट इज न्यू टू इंडियन डिफेक्शंस इज दैट दे हैव बीन अनप्रिंसिपल्ड एंड ऑपरचुनिस्टिक, देयर बाई पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू डेमोक्रेसी. ना प्रॉब्लम यह है कि डिफेक्शन पहले भी होता था, कोई नया नहीं है. सो वॉट आई एम पुटिंग ए परस्पेक्टिव इज कोई नया नहीं है, पहले भी होता था, लेकिन अभी जो हो रहा है तो उसमें नया क्या है. सो हियर नाउ द थिंग इज व्हेन अ स्टूडेंट विल राइट ये 52nd में आया था, 10th शेड्यूल पे है, एवरी वन नोज इट. तो आंसर को अलग कैसे बनाना है, अलग बनाना है व्हेन फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली आई एम गिविंग अ फैक्ट और गिविंग ए व्यू पॉइंट कि अभी नया क्या है. अभी नया ये है कि वो अनप्रिंसिपल्ड हो गया है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, और अपॉर्चुनिस्टिक हो गया है, अपॉर्चुनिटी का यूज करते हैं ताकि सरकार बना दे. ठीक है, खास करके जब सेंटर स्टेट अलग अलग सरकार है, एक सेंटर में एक सरकार है, स्टेट में और एक दूसरा सरकार है. ठीक है, सो इट पोजेस ए सीरियस थ्रेट टू डेमोक्रेसी बिकॉज इन टूडेज टाइम इट हैज बिकम अनप्रिंसिपल्ड एंड अपॉर्चुनिस्टिक. नाउ कमिंग टू द एनालिसिस. सो पहले पावरफुल पॉलिटिशियंस यूजिंग द लूप होल्स. अब प्रॉब्लम क्या होता है, जो पावरफुल पॉलिटिशियंस है वो एंटी डिफेक्शन लॉ का लूप होल्स यूज करते हैं. तो यहाँ पे मैं जब एंटी डिफेक्शन लॉ लिखता हूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट में ही 10th शेड्यूल और द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 मैंने यहीं पे ही लिख दिया. सो नो नीड टू राइट कि ये वहाँ से आया है. वी ऑल नो, एवरीबडी नोज, जो भी आंसर एग्जामिन कर रहा है ही नोज कि वो आ रहा है. सो वी शुड टू द पॉइंट, हम आंसर को टू द पॉइंट में लिखेंगे. सो द पावरफुल पॉलिटिशियंस यूजिंग द लूप होल्स फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल गेन्स. ठीक है, अब क्या चैलेंजेस है, ये लूप होल्स है क्या. तो डायरेक्टली मेरा कोहेरेंस इसी में आता है कि अभी हम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे. चैलेंजेस क्या है, जैसे कि पहले बायसनेस ऑफ द स्पीकर. ये जो स्पीकर है
ठीक है, ये जो स्पीकर है वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी से होती है। तो जो भी स्पीकर रहता है, जैसे कि हम बोलते हैं वो स्पीकर तो है, द स्पीकर शुड बी अनबायस्ड इन नेचर, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी की तरफ ही होती है, वी ऑल नो। ठीक है, सो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रूलिंग पार्टी। ठीक है, अब जब इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रूलिंग पार्टी होती है, और ये यूज कब कर लेते हैं, क्योंकि लॉ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है, स्पीकर के लिए कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं टू डिसाइड ऑन डिफेक्शन केसेस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ऊपर से इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रूलिंग पार्टी तो है ही। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बायसनेस होता है, अपने रूलिंग पार्टी के मेंबर के खिलाफ कुछ एक्शन लेने में वो नहीं करते हैं, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बायसनेस। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो दो 2/3 का जो मर्जर है, इट इज पॉसिबल 2/3 का मर्जर आप करेंगे तो डिफेक्शन नहीं लगेगा। सो ये जो 2/3 मर्जर है लॉ पे, ये सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है, यही मिसयूज हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी हुआ। ठीक है, और यही जो 2/3 मर्जर हो रहा है, मतलब हो सकता है, और ये इलीगल नहीं है फिलहाल के लिए, अभी के लिए, क्योंकि लॉ पे वो लिखा है। सो ये हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करता है, MLAs और MPs को, जैसे कि हम बोलते हैं कि MPs और MLAs खरीदने लगते हैं, तो पार्टी खरीदने लगती है उनको, तो हॉर्स ट्रेडिंग होते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिकॉज इट हैम्पर्स द डेमोक्रेटिक इथोस ऑफ आर कंट्री, ठीक है, इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सो ये दो पॉइंट हमने लिखा, आगे क्या लिखेंगे, आगे हम ये करेंगे कि कहीं ना कहीं जो डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो अंडरमिन करता है रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिकॉज यहाँ पे जो MP होता है, MLA होता है, उसको पार्टी की व्हिप को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। या देर इज ए पॉइंट कि 15 दिन पहले आप नोटिस दे सकते हो, 15 डेज से नोटिस दे सकते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हैम्पर करते हैं। सो इट लीड्स टू, सो द लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वॉट इज डिसेंट एंड वॉट इज डिफेक्शन, दोनों अलग अलग है, डिसेंट का भी डेमोक्रेसी पे रोल है। सो यहाँ पे क्लियर कट एक डेफिनेशन होना चाहिए कि वॉट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन डिसेंटिंग एंड डिफेक्टिंग, ठीक है, सो दस वीकनिंग पार्लियामेंट्री डेलिबरेशन। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर यूज, बहुत ही ज्यादा मिसयूज होता है, जिसके वजह से पावरफुल पॉलिटिशियंस आजकल एंटी डिफेक्शन लॉ को मिसयूज करते हैं। नाउ वी हैव गिवन द एनालिसिस, नाउ विल गिव व्हाट आर द सजेशंस। अब सजेशन क्या है, यहां पे आएंगे सजेशन के लिए। नाउ जब हम व्हाट कैन बी डन करते हैं, तो हमेशा कोई भी GS2 का पेपर हो, वो लाइक पॉलिटी का हो सकता है या फिर कोई एक इशू का हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ट्राई कीजिए उसका एक जुडिशियरी वर्डिक्ट देने में, हमेशा जुडिशियरी वर्डिक्ट एक होगा। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, आप जब प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ स्टडी में प्रिपेयर करते हैं, कहीं पे कोई भी इंस्टीट्यूट में प्रिपेयर करते हैं, व्हाट यू डू इज ऑलवेज फाइंड फॉर ए जुडिशियरी वर्डिक्ट, बिकॉज इट विल एनरिच योर आंसर, बिकॉज यू आर गिविंग ए व्यू पॉइंट फ्रॉम द जुडिशियरी। हम यहाँ पे एक जुडिशियल सॉल्यूशन देंगे, हम यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन भी देंगे, सो दोनों सॉल्यूशन जब देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लॉ के थ्रू भी बोल रहे हैं, हम जुडिशियरी भी ये बोला है, दोनों चीज बोल रहे हैं। सो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक था, जिसको हम बोलते हैं केशम मेघाचंद्र केस, अभी 2020 में मणिपुर का केस है, ठीक है, मणिपुर का केस है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल होना चाहिए बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस टू डिसाइड मैटर्स ऑफ डिफेक्शन, एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल, स्पीकर को हटा दो इस पावर, ये जो पावर दिया गया स्पीकर को, वहां से हटा के उसको एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल दिया जाए, ताकि वही करेंगे, क्योंकि रिटायर्ड जजेस भी हैं, ये लोग आराम से एक इम्पार्शियल मैनर से कर सकते हैं, बिकॉज जजेस आर नॉट ए पार्ट, जजेस आर डायरेक्टली नॉट ए पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो स्पीकर का पावर यहां से हट जाता है, तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सेकंड क्या है, एक मैंडेटरी टाइम लिमिट दीजिए, मैंडेटरी टाइम फ्रेम मस्ट बी एडेड बाई अमेंडिंग, अगर हम 10th शेड्यूल को अमेंड करेंगे और एक मैंडेटरी टाइम फ्रेम रखेंगे, तभी जाके कुछ हो सकता है, लेकिन करेगा कौन, बिकॉज ये करने के लिए सरकार करेगी, जुडिशरी तो कर नहीं सकती, तो सरकार करने के लिए क्या चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, कौन करेगा, बिकॉज उनके पक्ष में तो नहीं होगा, तो पॉलिटिकल विल का होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल विल, इसका मतलब जो लीडर्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीडर्स, ऑन द मोरल वैल्यूज ऑफ द लीडर्स, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, सो दे शुड हैव दैट मोरल वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, सो दैट जो डेमोक्रेटिक इथोस है उसका प्रिजर्वेशन सही रहे।
थर्ड क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड बी प्रमोटेड विथ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी. बहुत जरूरी है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होना. एक पार्टी के अंदर आप हो तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हॉर्स ट्रेडिंग इज द रिजल्ट विच वी ऑल आर सींग. ठीक है, सो एक कंक्लूजन, बिकॉज ये 150 वर्ड है तो हमने ये बता दिया है, तो एक कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, टाइटनिंग एंड क्लीनिंग अप द एंटी डिफेक्शन लॉज आर द अर्जेंट नीड ऑफ द आवर टू अंडरमाइन द पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन. सो दिस इज हाउ एक 150 वर्ड में हम कंटेंट भी दे रहे हैं, दो पक्ष भी दे रहे हैं, जुडिशियरी का एंगल भी दे रहे हैं, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी दे रहे हैं. सो तीन चीज दे रहे हैं. तो एक चीज मैं यहाँ पे बोलना आई नीड टू टेल इज, हमेशा जब आप GS2 का पेपर में, खास करके पॉलिटी में आप आंसर लिख रहे हो, खास करके मेंस आंसर, और वो कहीं ना कहीं रिलेटेड टू सम इशू, सम पॉलिटी इशू. ठीक है, जब कोई पॉलिटी इशू है, इट कैन बी एनी कॉन्स्टिट्यूशन, एनीथिंग रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर, एनीथिंग, जुडिशियरी, तो हमेशा उसका एक लीगल एस्पेक्ट देना. ठीक है, उसका एक जुडिशियल एस्पेक्ट देना. तो लीगल एस्पेक्ट, इसका मतलब कोई लॉ जरूर होगा या फिर कोई रूल जरूर होगा. जब आप जुडिशियल एस्पेक्ट दे रहे हो, कहीं ना कहीं जुडिशियरी का कोई वर्डिक्ट होगा. ठीक है, सो व्हेन यू प्रिपेयर इन दिस वे, सो दैट आपका मेंस का आंसर राइटिंग कहीं ना कहीं एनरिच हो जाए. ऑब्वियसली यू हैव टू गिव योर ओन व्यू पॉइंट ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं वो व्यू पॉइंट ज्यादा सबमर्ज हो जाती है व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर पॉलिटी क्वेश्चंस. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर पॉलिटी क्वेश्चंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सोसाइटल इश्यूज. उसका आंसर अलग रहता है, इन फ्यूचर क्लासेस में, सीरीज में मैं कवर करूंगा. ओके, सो दैट इज हाउ वी, दिस इज द क्वेश्चन फॉर एंटी डिफेक्शन. ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू.